मुबारक घड़ी आ गई है, दो साल की डिग्री चार में करके पूरी यूनिवर्सिटी से घर को परी उसे कैसे खत भेजूं, मेरा कासिद ही लग रहा है। एसएमएस उसे कैसे मैं खत भेजूं, मेरा कासिद ही लग रहा है। कबूतर ऐसा पाला है जिसे उड़ना नहीं आता, और हमारे दरमियान खानदगी भी एक मसला है। मुझे लिखना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता। तुम तो गंजे दोस्तों से तो मुझे शेर याद अर्ज करना पड़ गया कि गंजेपन की ये कहानी है, मौजे दरिया की रवानी है। गंजेपन की ये कहानी है, मौजे दरिया की रवानी है, और हर किसी के नहीं चढ़ते ये पार, आशिकों की ये निशानी है।
डिफरेंट सीनियर्स के नाम जो हमें ट्रिप पे लेके गए। यकीनन ये वो एक बहुत बड़ा हादसा था, जहां लेके गए उसे बंद पाया तो कोई और दर्जा खटखटाया। तो इसे किस तरह कवाली में हम लोग गर्ज करेंगे, गर्ज करता हूं कि किटा समंदर जाना है, हमसे और कात से घटकर नहीं खाया जाता। और आप दो चार डिशे हमसे जरा दूर रहे, आप दो चार डिशे हमसे जरा दूर रहे, हमसे इतना सिमट कर नहीं खाया जाता। समंदर जाना है, खूबसूरत समाज के नाम तो मैं अपने घर गया। वो जब अपने घर गई 4 बजे के पॉइंट से मैं अपने घर गया, वो जब अपने घर गई फिर मुझको क्या खबर कि वो किधर गई। तुम तो ठहरे परदेसी, साबुन और पानी बचाया जाए। हमने डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज में ये पढ़ा कि कंजम्पशन बहुत बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेस कम है, तो बस फिर वो ज़हन में आ गया, कहना पड़ गया कि वक्त साबुन और पानी बचाया जाए। क्या जरूरी है कि रोज नहाया जाए? कभी डबल क्लिक करो, तुम तो ठहरे परदेसी।